हम लोगों ने कल क्रोष्ट शब्द का रूप बनाना शुरू किए थे। प्रथमा के एक वचन में स्थिति बन गया था, क्रोष्टंत हो गया था, है ना। अनंग आदेश कर दिए थे, क्रोष्टन हो गया था स्थिति, क्रोष्टन धन यह स्थिति है। इस स्थिति में सूत्र लग रहा है अत्रिंद्रित स्वस्त्री नत्रि निष्ठित त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणा। अत्रिंद्रित स्वस्त्री नत्रि निष्ठि त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री प्रशास्त्रीणा। अब एक साथ बोले, एक पद है ये, टुकड़ा करके नहीं बोल सकते। अत्रिंत्रित स्वस्त्री नत्रि निष्ठि त्वष्टि क्षत्रि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रीणा। अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा, एक पद है षष्ठी का बहुवचन, इसलिए आप टुकड़े में नहीं बोल सकते। तो शुरू में उच्चारण करना टुकड़े में करा देते हैं, लेकिन वास्तव में इसको बोलना है एक साथ, एक उच्चारण, एक पद, षष्ठी का बहुवचन। अप मैंने जल का वाचक शब्द है, ये हलंत है। तृण और त्रिच्य दो प्रत्यय है, तृणंत और त्रिजंतों को, और स्वस्त्री नत्री नेष्ट्री त्वष्ट्री क्षत्री होत्री पोत्री प्रशास्त्री, ये सारे शब्द रिकारांत है। इन शब्दों के उपधा को दीर्घ होता है, असंबुद्धि सर्वनाम स्थान की प्रति अबादी नाम उपदाया दीर्घो असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने। अबादी नाम अप त्रिन त्रिच इत्यादि शब्दों को की उपधा को, इत्यादि शब्दों के उपधा को, उपधा संज्ञा आपने किया था ना, क्या है अलोम त्याग पूर्व उपधा, उसके अनुसार यह उपधा संज्ञा किसका होगा, तकार के जो अकार है अंत्यल है न, उसके पूर्व में है अ, अंत्यल से पूर्व में जो वर्ण रहता है उसका नाम उपधा, अलोन्त्या पूर्व उपधा सूत्र था। अंत्यल है न, उसके पूर्व है अ, उसके उपधा संज्ञा होगी। और यह क्रोष्टन शब्द त्रिच प्रत्यांत है ना, त्रिचंत है नहीं, आप त्रिन त्रिच बोल रहे हैं, तीसरा वो त्रिजंत है ये, क्योंकि आपने त्रिज्वत क्रोष्ट करके क्रोष्ट को त्रिजंतवत भाव कर दिया है, तो त्रिजंत है ये, त्रिजंत होता हुआ है कि नहीं। उपधा में विद्यमान जो अकार है पर में जो स वो कैसा है, असंबुद्धि वाला सकार है, असंबुद्धि सर्वनाम स्थान संज्ञा वाला, संबुद्धि से भिन्न सर्वनाम स्थान संचक सकार रूपी प्रत्यय विद्यमान है, और पूर्व में आप देख रहे हैं वो कैसा है, नांत उपधा है, अकार नकारांत का उपधाभूत अकार है। नहीं, तृण और तिच में स्वर में बहुत अंतर हो जाएगा, नित स्वरण से आदि उदात्त होता है, चित्तों से मध्य उदात्त हो जाता है। तुन तुन वो तुन था, त्रिन नहीं, कृष धातु से तुन प्रत्यय होते तो क्रोष्टु, और कृष धातु से त्रिच हुआ तो क्रोष्ट्री, स्वर में भेद हो जाता है, इसे सब अंतर कर दिया गया त्रिन और त्रिच। यदि त्रिन में भी त्री बचेगा, त्रिच में भी त्री ही बचता है, बचेगा तो त्रि, रूप में कोई अंतर नहीं, स्वर में भेद हो जाता है, उस आकार अंतर हो गया ना सब, टाप में टित हो जाता है, चाप में चित हो जाता है, डाप में डित हो जाता है, टाप चाप डाप में भी है, पकारान सब पित्त समान है, सुपितो अनुदात उस अनुदात धर्म वाला हो जाएगा स्वर। ये सब स्वर प्रक्रिया में जाएंगे ना, जितने आप संज्ञा कर रहे हैं इन संज्ञाओं का लाभ वहां पता चलता है, यहां तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा ही है। जैसे मकार के समय मित्त हो गया तो मित्र चौंत्याग पर लगा दिया, टित के आदि तो टकित लगा दिया, बहुत ही कम लाभ दिखता है यहाँ पर इत्संज्ञक वर्णों का, वास्तविक लाभ इनका जो है स्वर प्रक्रिया।
किस किस संज्ञा प्रत्ययों में किस वर्ण की संज्ञा, तो क्या स्वर हो गया उसका, तो सब वहां आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। खैर इसलिए से त्रिजंत है और यस्मात् प्रसिद्धाद् प्रत्ययंस अंग संज्ञा भी है, पूर्व का पूरे का अंग संज्ञा भी विद्यमान है, अतएव इस उपधाभूत आकार को दीर्घ आदेश होगा। दीर्घ कौन होगा, उकार जसूर का पुतला नहीं पड़ेगी दीर्घ संज्ञा को इकट्ठा करने के लिए, फिर उसमें स्थानांतरण से निर्णय करोगे अकार को आकार ही होगा, दीर्घ ही दीर्घ हो दीर्घ री है ना, ऐसा भी दीर्घ है, अनेकों दीर्घ उपस्थित हो जाएंगे, सारे के सारे दीर्घ हो बोलते सारे दीर्घ इकट्ठे खड़े हो जाएंगे वहां, उन समस्त दीर्घों में क्या करना पड़ेगा, आकार रूपी दीर्घ को लेना है तो स्थानांतरण भी लाना पड़ेगा। इतने सूत्रों की सहायता से आपने यहां अब त्रिंत्रिच सूत्र से दीर्घ कर दिया तो क्रोष्टान बन गया, क्रोष्टान धंसा। अब पूर्व सारे सूत्र हैं हल ज्ञाभ्यो दीर्घासुस्य पुक्तम हल, इस सूत्र से सकार का लोप करेंगे, हल ज्ञाभ्यो दीर्घासुस्य पुक्तम हल, तो लोप हो गया सकार, क्रोष्टान बच गया। आप सब संज्ञा कर दो, पदांत नकार है नलोप प्रातिपदिका अंतस्य, सुप्तेन पदम की सहायता लेनी पड़ेगी, यहां पर अदर्शन लोप और लोप संज्ञा की सहायता लेना पड़ेगा, अलग आप दीर्घ लगा कर सक लोप करना है, अदर्शन लोप लोप संज्ञा सूत्र भी लक्ष्य चाहिए, वहां पद संज्ञा सूत्र की सहायता से नलोप प्रात नकार का लोप हुआ तो रूप हो गया क्रोष्टा, एक देश कृत मनोवत से इस क्रोष्टा के नकार का लोप होने पर भी पद संज्ञा बनी रहेगी क्रोष्टा में भी, अतः क्रोष्टा प्रथमिक वचनांत पद सिद्ध हो गया। ये पसंज्ञा कब किया था आपने, क्रोष्टा नहीं समझता या तो दोबारा पसंज्ञा करो, नहीं तो एक देश कृत मनोवत से काम चल जाएगा, तो नकारित विकृत हो रखा है गायब हो रखा है, एक अवैला लोप भी हो जाए तो भी वही है, अतः क्रोष्टा प्रथमिक वचनांत पद सिद्ध हो जाता है, रूप बन गया क्रोष्टा। अबादि नाम उपदाया दीर्घो समुद्धो सर्वनाम स्थाने परे क्रोष्टा। अब क्रोष्टु द नाउ हो गया नलोप प्रातिपदिकांत से सूत्र है, ये पहले आ चुका है आपको, कहा आया था सखा बनाते वक्त सखान सा था ना, वहीं सब सूत्र आया था, हल्किया पे आया नलोप प्रांत से भी आया, ये भी वहीं आया सखान बनाते वक्त नकार लोप करने के लिए सखा बनाता, वैसे क्रोष्टा बन गया, यहाँ पूर्व में आए हुए सब सूत्र है, कोई नया सूत्र नहीं। अब आइए क्रोष्टु धन आओ इस अवस्था में इको एंची से एण प्राप्त था उसे बात या प्रतिपुर स्वर्ण दीर्घ उसको भी बात या त्रिज्वत क्रोष्ट हो त्रिज्वत क्रोष्ट हो सूत्र आया और उसने उकारांत को रिकारांत कर लिया क्रोष्ट्री धन औ हो गया, क्रोष्ट्री धन औ इस अवस्था में पुनः एक एण चिकेगा मैं री को एण कर दूंगा, नहीं रिका है री है ना उसको एण कर देगा रस्व है, और ये भी सूत्र है प्रदेव भी आएगा वो भी कहेगा मैं पुरुष पुरुषण दीर्घ कर दूंगा, अकोम में होता है ना अक्का है ना प्रथमादित्य और संबंधी अच्छी के प्रदेव पुरुषण दीर्घ आदेश हो जाता है, तो दोनों सूत्र दो बार आएगा दोनों को भगा के कौन सूत्र आता है ऋतोंगी सर्वनावस्था में, ये सूत्र लग गया जो कल पढ़े थे ना आप रतोंगी कल प्राप्त अगर छोड़ दिए थे त्याग दिए थे क्योंकि बात दिया था हाँ दूसरा सूत्र ने, अब इसने क्या कर दिया गुण कर दिया, गुण संज्ञा कौन करेगा अरे गुण और री को लेकिन कौन गुण करेंगे तो नहीं पाओगे हाँ ये वो में से कोई नहीं बैठेगा री के जगह पर, तो व्रंड्र पर रहा तप्रस्त काल स्थान अंदर दमा, तो मूर्धा स्थान वाला अर्र आदेश होगा कि स्थानीय री मूर्धा है
तो अर और अल होता ना, उरण से अल भी होगा, अल भी आएगा गुण। जब अर करो कि अल करो तो स्थानांतर हो गया अर करो, तो अर हो गया रोस्टर डन आउट। क्रोस्टर धन औ, ठीक। आप अभी जो सूत्र पढ़े थे, आप त्रिंति स्वस्त्री नत्री इत्यादि सूत्र अपनी सहायता सूत्रों में लेकर ले, आप त्रिंत्रिच उसके साथ कौन कौन थे, उकालो जसूरी कपलता स्थान इंद्र दमा, ये दोनों सूत्रों की जरूरत है। उनकी सहायता से वो क्या करेगा, इसको दीर्घ कर देगा, क्रोस्टा धनौ अजिनम इंद्रम परेण संयोज्यम रूप बनेगा रोष्टारौ, रोष्टा रोष्टारौ। यद्यपि हम क्रोष्टान में स्थिति में आपने विशेष सूत्र लाया आपके इंद्रज को, इसके बिना भी हो सकता था। सर्वनाम स्थान है समुद्ध नांत शुभदा दीर्घ सियाद सर्वनाम स्थान समुद्ध, उसी से नांत पदा को दीर्घ हो जाएगा, तो किसी भी नाम तो बता को दीर्घ कर ही रहा है, उससे कर सकते थे। इन आगे भी जरूरत था ही, इसलिए उन्होंने पहले ही लगा दिया, विशेष सूत्र को लगा दिया। और यह नांत नहीं है ना, रांत है। क्रोस्टर क्या हो गया, रांत हो गया। अब यहां पर उसको प्राप्त होगा नहीं नांत से बताया दीर्घ, कैसे करोगे सर्वनाम सारे चा संबुद्ध हो। इसलिए यहां तो जरूरत थी ही सूत्र की, इसलिए उन्होंने पहले भी लगा दिया, वो भी त्रिजन था ही है, एक वचन में भी लगा दो उसे। यद्यपि सर्वनाम स्थान समुद्रों से भी काम हो सकता था। क्रोष्टा क्रोष्टारौ, इसी प्रकार के जस में अस रहेगा, यही प्रक्रिया सारा लगेगा, क्रोष्टारह कोई अंतर नहीं, सब यही सूत्र लगना है। क्रोष्टारम में भी ऐसा ही है, क्रोष्टारौ में भी द्वितीय का एक वचन द्वितीय का द्विवचन दोनों इसी प्रक्रिया से यही सब सूत्र लगेंगे। इतना ही विशेष होगा, एक वचन में अभी पूर्व भी आएगा, उसको भी बात देना है आपको, इतना अधिक बोलना पड़ेगा। प्रथम पुरुषण को बात दिया, अमिपूर्व को भी बात करके त्रिजंत क्रोष्टो त्रिजंत भाव कर देता है, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, क्रोष्टारम बनेगा। क्रोष्टारम क्रोष्टारौ क्रोष्टूधन शस हरी के समान बना लेना, क्रोष्टूधन शस लशक दिते शकार गया बचा क्रोष्टूधन अस, अस के सकार के संज्ञा प्राप्त हुआ हरंत्यम से विभक्ति सूत्र के संज्ञा की सहायता से न विभक्त हो तो उसमान उसको निषेध कर दिया, क्रोष्टूधन अस रह गया। इको एंच से यह न प्राप्त हुआ उसे बाध दिया प्रथम पुरुष दीर्घ क्रोष्टूधन अस जो क्रोष्टूस हो गया, पुरुषोत्तर एकादेश हो गया तो क्रोष्टूस बन गया। अब सकार को क्या होगा, तस्मात् छसो नः पुंसि नकार कर दिया, रामांजे से क्रोष्टून बन गया, छस में क्रोष्टून रूप बन गया है, यानी क्रोष्ट। अच्छा क्रोष्टून हो गया, अब तृतीय में आया क्रोष्ट्री दंटा क्रोष्टू दंटा क्रोष्टू दंटा। देखो शस में ऋकारांत नहीं हुआ, त्रिज्योत नहीं हुआ, कि त्रिज्योत केवल सर्वनाम स्थान में होता है और शस में सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है ना, सुड़ा न पुंस कस्य सुओ जैसे मौट तक की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, इसे शस में उकारांत का ही रूप बना शंभुवत क्रोष्टून है या नहीं। अब क्रोष्टूधंता क्रोष्टूधंता है, इसमें एक सूत्र ला रहे हैं विकल्प से त्रिजोत भाव करें, विभाषा तृतीयादिश्वची विभाषा व्यय है, तृतीयादिश सप्तमी का बहुवचन और अची सप्तमी का एक वचन, तीन पदों से युक्त सूत्र है। अजादिशु तृतीयादिशु क्रोष्टुर्वात् त्रिज्वत् स्यात्, अजादिशु तृतीयादिशु अजादि जो तृतीयादि है, अजादि जो प्रत्यय तृतीयादि में, तृतीयादि में जो प्रत्यय कौन है, टा है, गसी अंगे गसी गस ओस आम नी
और इतना ही है आपका आजादी। यहां भ्याम आएगा, भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस सुप, ये सब हलादी है ना। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तृतीयादि आजादी करने से ये आठ आएगा। हलादी कितना बचे? छह एक सात बच गया हलादी। ये आठ आपके आजादी है और बाकी सात हलादी है। भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस सुप, ये सात क्या है? हलादी। अजादिशु तृतीयादिशो, इन प्रत्ययों के पर में रहते हुए क्या होता है? क्रोष्टुर वात्रिज्वस्यात्, क्रोष्टु शब्द से विकल्प से त्रिजत भाव कर दिया, विकल्प से होगा। अर्थात एक बार त्रिजत होगा और दूसरे बार क्या होगा? वो तुकारांत रह जाएगा, जैसा है वैसा रहेगा। जब हाँ दो दो रूप बनेंगे, अब त्रिजंत भाव में एक रूप और वो कारांत का एक रूप, तुन्नंत का एक रूप बनेगा, त्रिजंत का एक रूप बनेगा, दो दो रूप रहेंगे आजादियों में केवल, हलादि में नहीं। आप देखिए क्या क्या स्थिति होता है। इसको एक बार क्रोष्ठी आदेश हो गया है, उस पक्ष में एक रूप चलाइए पहले। क्रोष्ठी धन आ, क्रोष्ठी धन आ, इको एणची से यण होगा और कोई काम नहीं है, रोष्ट्रा। इसी प्रकार रोष्ट्री धन ये, यहां भी कोई विशेष कार्य नहीं बचता है, ये इको एणची से यण होगा, क्रोष्ट्रे, क्रोष्ट्रे। पहले सब रिकारांतों को बना लीजिए, उकारांतों के हरि के समान चलाना है, कोई अंतर नहीं है, है? गे का ये बचा, ये यण हो गया, ये कोई चीज से कोई काम नहीं। री को रा हो गया ना, यण हो गया, और रा को नीचे बताया जाता है इस तरह से, क्रोष्ट्रे। गसी गस में विशेष कार्य है, सूत्र लग रहे हैं, क्रोष्टु धन गसी और गस दोनों इकट्ठे लेते हैं, दोनों गस बच गया और उसको तृतीय विभाषा तृतीय विश्वची सूत्र से विकल्प से त्रिजत भाव हो गया, क्रोष्ट्री धनस, क्रोष्टु धनस था उसको, क्रोष्ट्री धनस हो गया। यहां भी कोई एंच से यण प्राप्त हुआ, उसे बाद कर सूत्र लग रहा है, रित उत, रित उत, रित है षष्ठी एक वचन, उत प्रथमा का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र, ऋतः षष्ठी एक वचन, उत प्रथमा का एक वचन, ऋतोंग गसो रति उत एकादेश, रिदंत अंग से परे, रिदंत से परे अंग नहीं है यहाँ, छह एक का है, रिदंत से परे गसी और गस संबंधी अत हो तो दोनों के जगह पर एक नया उत उकार हस उकार बैठेगा, अतः री और र इन दो के जगह पर एक वु आएगा। वो कैसे बैठेगा? वो भी रपर हो करके बैठेगा, क्योंकि अण में है ना अ ई उ, जब भी री के स्थान पर अण बैठेगा तो कैसे होकर बैठेगा? वो रपर होकर बैठेगा। वो क्या है? अण में आता है कि नहीं, उरण रपर ऐसे लग जाएगा, तो ऋतवत सूत्र की सहायक है यहां उरण रपर रहा, देखो ऐसे वो रिकॉर्डिंग नहीं होएगा, क्यों कर रहा है? तो री और उ आपके जब क्या हो गया? उर आदेश हो गया, उर या स बचा है, उर में क्रोष्ठ हलंत बच गया, मिलाओगे तो क्या होगा? स्थिति बनेगी क्रोष्टुर्स, ऐसे लिखूंगा क्रोष्टुर्स, है ना, क्रोष्ट उर स मिला दो, क्रोष्टुर्स हो गया, रासा का संयोग है, ठीक। अब इसकी संयोग संज्ञा हलोनंद्राहा संयोगः, हलोनंद्राहा संयोगः, संयोग संज्ञा होने से संयोगांत स्वरूप सीधे सकार का लोप प्राप्त है, तभी नियम सूत्र आता है, संयोगांतस्य
लोपा इति प्राप्ते। सूत्राया रात सस्य, रात सस्य, रात पंचमी एक वचन, सस्य षष्ठी एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र है। रेफात संयोगांतस्य सस्यैव लोपो नान्यस्य, रेफ से पर में यदि संयोगांत किसी वर्ण का लोप करना है तो सकार का ही लोप होगा, अन्य का लोप नहीं होगा। रेप से परे संयोगांत लोप जब करोगे तो नियम कर रहे हैं, रेप से परे में संयोग लोप होता है तो सकार का ही करना, अन्य आता है तो नहीं लोप करना। जैसे आपको स्तरण दिखा रहा हूं, ऊर्ख ऊर्ग ऊर्ज, ऊर्ज शब्द है ना, ऊर्जा बंधक नहीं बनता स्त्रीलिंग में, ऊर्ज शब्द है, वर प्रातिपदिक है, उसका प्रथमा का एकवचन बनता है ऊर्क ऊर्ग। यानी कि रेव से पर में क का संयोग है, नहीं र का संयोग है, र ग का संयोग है, या ककार और ककार का लोप नहीं होता। ये नियम बना दिया इसने, रेव से पर में संयोगांत लोप होना है तो स का ही लोप हो सकता है, अन्य वर्ण यदि संयोगांत में आता है तो उनका लोप नहीं होगा। इसलिए उर्क उर्ग उरुंजो उरुंजा उरुंजी बनता है कि नहीं बनता है, यहां भी बनाएंगे आपको, आएगा हलंत में, अभी तो अजंत चल रहा है ना, हलंत है, हलंत में आएगा ये शब्द। इन दृष्टांत अभी बता दिया नियम को समझाने के लिए, रेव से पर में जो संयोग है संयोग लोप, उसमें स का ही लोप होता है, क ग आदि कोई अन्य वर्ण आ जाए उनका लोप नहीं होता। रस्य विसर्ग, इसलिए क्या हो गया, स का लोप हो गया, क्रोष्टुर बच गया। अब र को क्या करोगे, विराम अवसान से अवसान संज्ञा कर दीजिए, खरवसान विसर्जनीय से विसर्ग कर दीजिएगा, रूप रूप बन गया क्रोष्टु हो, क्रोष्टु हो। पंचमी का एक वचन में क्रोष्ट हो, षष्ठी का एक वचन में भी क्रोष्ट हो रूप हो गया। क्रोष्ट्रीधन ओस, क्रोष्ट्रीधन क्रोष्टुधन ओस था, उसको आपने कर दिया विभाषा तृतीयादि शुवची, क्रोष्ट्रीधन ओस हो गया एक पक्ष में। तभी कोई इंची से यण करने के अलावा और कोई काम नहीं है, सकार मृत्यु सर्त सामान्य कार्य है पूर्वत, क्रोष्ट्रोह क्रोष्ट्रोह इकोच से यण, सकार को रुत्व विसर्ग, रुत्व विसर्ग का तात्पर्य बता चुका हूं, सुप्त से पसंज्ञा करना है, स ससुरु से रू कर देना है, उसके बाद उस रेफ को विराम अवसान से अवसान संज्ञा पूर्वक खरवसान विसर्ग विसर्ग करने का नाम रुत्व विसर्ग हो। अच्छा क्रोष्टुधन आम, क्रोष्टुधन आम षष्ठी का बहुवचन बना रहे हैं, क्रोष्टुधन आम स्थिति में एक वार्तिक आता है, पहले त्रिजद्भाव करूं, पहले उकारांत में रवि नुट करूं, क्या करो विचार चल रहा है, तब गते नुमचर त्रिजोद्भावे नुट पूर्व प्रतिषेधेना, नुमचर त्रिजोद्भावे नुट पूर्व प्रतिषेधेना, तीन काम को पहले करो बोल रहा है, तीन काम की अपेक्षा से नुम, और आगे आएगा अचीर और रित, एक सूत्र आएगा अचीर रित, उस सूत्र से होने वाला र आदेश, वो र आदेश और त्रिज्योद्भाव, इन तीन काम की अपेक्षा से पहले आपको क्या करना है, पहले पूर्व छेद पूर्वक आम को नुट करना पड़ेगा, पहले नुट कीजिए और बाद में आम का आपको प्राप्त होगा त्रिजुदो कर लेना, बाद में त्रिजुदो प्राप्त हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नुम
अच के परे रहते ही कोच विभक्त सूत्र है वो नुम करने वाला नपुंसकलिंग में आएगा कि कोच विभक्त नपुंसकलिंग में पढ़ेंगे आप वहां आता है नुम करने वाला सूत्र कोच विभक्त और अचिलता ये आपको आएगा अचि आजाद प्रति रभाव करने वाला तीसरा बनाते हैं स्त्रीलिंग में अचिर प्रतः ठीक। और त्रिजोत भाव के लिए वर्तमान सूत्र है आपका त्रिजोत प्रोष्टो विभाषी ये सब सूत्र हैं ये त्रिजोत भाव कर रहे हैं कर इन सूत्रों की जब प्रवृत्ति होती हो उस समय का इनको रोक कर यदि ये तीनों सूत्र क्या है पर सूत्र है किसकी अपेक्षा से ह्रस्वनद्यापो नुट की अपेक्षा से ह्रस्वनद्यापो नुट का जो नंबर है अष्टाध्यायी में उसकी अपेक्षा से ये सब पर सूत्र है इकोचिन विभक्तो भी पर सूत्र है अचरिता भी पर सूत्र है विभाषा तृतीय सूची भी पर सूत्र है पर इसको पहले होना चाहिए था लेकिन वार्तिककार कहते पूर्व को विप्रच्छेद के माध्यम से बलवान बना करके वो ही लगाओ पहले इनको मत करो नुम भी नहीं करना अचर भाव भी नहीं करना त्रिज भाव नहीं करना किंतु पहले नुट कर देना इसलिए प्रोष्ट इस अवस्था में ही क्या हो जाता है त्रिजत भाव को बाद करके हम पहले नुट कर देंगे नुट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोष्टु धन नाम हो जाएगा प्रोष्टु धन नाम हो गया जब प्रोष्टु धन नाम हो ही गया अब क्या करोगे हलादी हो गया ना अब आजादी रहा नहीं आजादी नहीं रहा तो विभाषा तृतीयादि सूची इत्यादि सूत्र नहीं लगेगा हाँ तो आगम कहाँ हुआ आदि में हुआ ना आद्य वय बोला है ना आद्य आजादी रह गया कि हलादी हो गया इसलिए आम का अब वो हलादी हो गया कि नहीं हो गया वो आम वो अवय कहाँ घुस के बैठ रहा है वो इंपॉर्टेंट है वो आदि में बैठ रहा आदि में बैठने से प्रोष्टु जब देखेगा तो आ दिखेगा कि ना दिखेगा उसको पहले नहीं तो दिखेगा अब प्लास्टर चढ़ गया ऊपर तो प्लास्टर दिखे पहले हाथ दिखेगा प्लास्टर तो दिखेगा कि हाथ दिखेगा वैसे यहां भी पहले नुट घुस गया आदि में तो नहीं दिखेगा हाथ थोड़ी दिखेगा उसको इसलिए वो हलादी हो गया अब विभाषा तृतीय प्रवृत्त नहीं हो सकता इसे पहले पूर्व पीठिका में क्या बोले प्रोष्टुधन संस्था में बोलोगे आप यहां क्या क्या प्राप्त है इको एंट्री प्राप्त हुआ उसको बाल करके आपने ह्रस्वनद्यापो नुट लाए और कौन सा विभाषा तृतीयादि सूची दोनों लड़ गए दोनों अन्य तरणितर चरितार्थ सूत्र है विप्रेष से परम कार्य होना चाहिए था परम कार्य अनुसार क्या प्राप्त था त्रिज्योत भाव तब वार्तिककार आकर कहते नहीं नहीं हाँ नुमचर त्रिज्योत भावे ये वार्तिककार करके उसको पहले नुट कर दिया जब लुट कर दिया हलादी हो गया जब हलादी हो गया तो विभाषा तृतीयादिसूची प्रवृत्त ही नहीं होगा फिर क्या लगेगा सूत्र नामी दीर्घ करेगा रूप बन गया प्रोष्टु नाम प्रोष्टु नाम एक ही रूप बनेगा आजादी होते हुए भी यह एक ही रूप बना इस वार्ती की वजह से दो रूप नहीं बनेगा सप्तमी का एक वचन रह गया क्रोष्टी धन क्रोष्टु धन घी का ही बचा इको एंची को बात देता आकाश आवरण दीर्घ उसको भी बात करके सूत्र लगाया आपने विभाषा तृतीयादिश्वची उसने विभाव कर दिया क्रोष्टी धन गी का ई बचा प्रोष्ट्री धन ई रह गया फिर यण आने लगा उसको बाद करके ऋत गी सर्वनाम स्थान तो क्या हो गया गुण रपर हो गया किस सूत्र से गुरण रपर स्थानीय अंदर दम दोनों की सहायता से लेकर रबर हो गया प्रोष्टरी अजिन व्यंजनम परेण संयोज्यम प्रोष्टरी इसलिए आगे लिख रहे हैं पक्षे हलादौ च शंभुवत जब जब आजादियों में त्रिजोत भाव नहीं हुआ उस पक्ष में
उकारांत रहेगा तो शंभु के समान चला लेना, और हलादियों में त्रिजद्वाजा होता ही नहीं है वहां पर भी शंभुवत चलाना है। पक्षे हलादौ च शंभुवत चलाइए रूप, क्रोष्टा क्रोष्टारो क्रोष्टारः, हे क्रोष्टो हे क्रोष्टारो हे क्रोष्टारः, क्रोष्टारम क्रोष्टारो क्रोष्टून क्रोष्ट्रा क्रोष्टुना, ये संज्ञा होगी ना, जब नहीं होगा त्रिजग हो गया होगा, शेषो घ्यसज्ञ से क्रोष्टु को घी संज्ञा हो गया, आंगो नास्तियम से नादेश हो गया क्रोष्टुना, क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभिहि क्रोष्ट्रे क्रोष्टवे, यहाँ क्या हुआ घेरंगिति गुण हो गया, एचो यवाया वह अव आदेश हो गया क्रोष्टवे, क्रोष्टुभ्याम क्रोष्टुभ्यः क्रोष्टुः त्रिजद्वा पक्ष में है ना, और त्रिजद्वा भाव में क्रोष्टो हो, यहाँ क्या हुआ है क्रोष्टु को घेरंगित से पहले गुण कर दो, घी संज्ञा होने से घेरंगित से गुण होगा, दसी गोश्च से पूर्व प्रकाश हो गया क्रोष्टो हो, पूर्व सूत्र से भी याद रखना है नहीं, क्रोष्टो हो क्रोष्टुभ्या क्रोष्टुभ्यः, षष्ठी में एक वचन बराबर क्रोष्टुः क्रोष्टोः क्रोष्ट्रोः क्रोष्ट्वोः, एक यहाँ पर उकारांत पक्ष में क्रोष्टूना एक ही बनेगा, षष्ठी का बहुवचन क्रोष्ट क्रोष्टरी क्रोष्टौ अच्छे लग गया है ना, क्रोष्ट्रोः क्रोष्ट्वोः क्रोष्टुषु, इस प्रकार से आजादियों में षष्ठी बहुवचन को छोड़ करके तृतीयाद आजादियों में षष्ठी बहुवचन को छोड़कर सब जगह दो दो रूप हो गया, और दूसरे रूप में अधिकतर घी संज्ञा को लेकर कार्य होता है, उकार हस्व उकार अंत होने के नाते शेष घसकी लग गया, घी संज्ञा हुई क्रोष्टु को, आंगो नास्त्रियाम घेरिंगी दसिक सोच अच्छे, ये घी संज्ञा का विशेष कार्य है, इनको याद रखना पड़ता है। तृतीया में नादेश, चतुर्थी पंचमी षष्ठी में गुण, और अवादेश प्राप्त को बाद करके चतुर्थी में तो अवादेश हो जाएगा, पंचमी षष्ठी में बाद करके दसिक सोच लग जाएगा, सप्तमी में अच्छा घे लग करके विभक्ति को औकार और उकार को अकार हो गया क्रोष्टव दनव वृद्धि होकर के क्रोष्टव रूप बन जाता है, हरव जैसे हरव संभव जैसे बनाया वैसे क्रोष्टव बन जाएगा, ये विशेष था। इस प्रकार से ह्रस्व कारांतों की चर्चा पूरी हो जाती है, ह्रस्व कारांतों का रूप पूरा। एक गुरु जी थे बनारस, वो बोलते थे ह्रस्व कारांत कथा पूरी हो गई। मैंने एक बार पूछा गुरु जी आप ऐसे क्यों बोलते, ए, तुम्हारे लिए नहीं ऐसे होते हैं, तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए बात, तो क्यों ऐसे कैसे बात करें, कहे तुम तैयार कर लेते इसलिए तुम्हारे लिए कथा नहीं तुम्हारे लिए पाठ हो गया, लेकिन दूसरे सुन करके भूल जाते इसलिए उनके लिए कथा हो गया, सुन के भूल जाए तो कथा ही तो सुन के भूलते हैं लोग, कथा की एक दो चुटकलियां याद कर लेते हैं बाकी सब भूल जाते हैं, कथाकार ने क्या सुनाया था क्या हुई कथा, अरे बहुत बढ़िया कथाकार थे इधर बढ़िया बोले क्या बोले भाई, वो एक चुटकली सुनाए तो बस उतनी याद है, बताओ क्या कथा सुना, तो वैसे यह भी हो रहा है ना, कथा सुन रहे भूलते जा रहे पीछे की पाठ और आगे पाठ बढ़ रहा, इसलिए वो याद आ गया अचानक गुरु जी जो है कथा हो गई, अत्संद की कथा पूरी हो गई ऐसा बोलते थे वो। तैयार करना बड़ा कठिन काम, जितना पाठ चले उतनी तैयारी करें साथ साथ मुश्किल होता है, इसलिए तरीका है बार बार बताता हूँ, आगे तक रटा हुआ होना चाहिए कम से कम 10-15 सूत्र आदि तक रटा हुआ, लेकिन अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा ना, शब्द उपस्थित है अर्थ को केवल ग्रहण करना, अब क्या होता है शब्द का उच्चारण हो रहा है न अर्थ का ग्रहण हो रहा है, दोनों काम कैसे हो गए एक साथ, शब्द भी ग्रहण करनी पड़ती है अर्थ भी ग्रहण करना पड़ता है, दिमाग पर जोर पड़ता है तो दोनों छूट जाता है दोनों ही छूट जाता है, इसलिए हम लोगों को पहले रटाया करते थे सब, रटो आगे तक रटा हुआ हो
तब पीछे का पाठ चलता। खैर अब दीर्घ उकारांत आ रहा है, हु हु शब्द आ रहा है, हु हु सब जगह यण करना और कोई काम नहीं है। आजादियों में यण कर दो, हलादी में मिला दो, हु 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 भी एक गंधर्व विशेष का नाम है, गंधर्वों में एक जाति है हा हा हु हुश्चैव, अमरकोश में कहा है हा हा भी एक गंधर्व जाति था, आकारांत रूप चलाया था आपने, और हु भी एक गंधर्व जाति है, दीर्घाज जसी चा निषेध करेगा प्रतिपुरुष अंतर को, ठीक है नहीं, दीर्घाज जसी चा पुरुष अंतर निषेध होगा, हु ही रहना चाहिए, हुन बनेगा, ठीक है, प्रतिपुरुष अंतर दीर्घ लग गया, दीर्घाज जिसके स्वर्णार्थम जस निषेध करता है, शस्म निषेध नहीं करता, इसलिए पुरुष अंतर दीर्घ हुआ, तस्मा चसो न पुंसी नकार आदेश हो गया, हुन संबोधन। अब एक दूसरा उकारांत ले रहे जिसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, नदी संज्ञा का कार्य करनी पड़ेगी। नदी संज्ञा में आपने क्या क्या काम किया था सब याद कर लेना, अंबात नद्यो रस्व सबसे पहला सूत्र आया था वहां पर, युष्ठाख्यो नदी से नदी संज्ञा की थी, प्रथम लिंग ग्रहणंच के आधार पर पुल्लिंगों में भी नदी संज्ञा हो जाएगा। यह चमु शब्द, चमु होता है सेना, सेना को कहते चमू, चमू अतिक्रांतो ये न सा अति चमू, चमू नामक एक सेना का विशेष है संज्ञा, ऐसा अक्षौहिणी जैसा नाप है उसमें, इतना घोड़ा, इतना हाथी, इतना पैदल वाला है कि नहीं, इतना रथ वाला, वो जो संख्या विशेष युक्त चमू नामक सेना को भी जीत लेने वाले का नाम अति चमू। दीर्घकारांत है यदि भी चमु शब्द नित्य स्त्रीलिंग है, जब उसको समास करके पुलिंग में बना लिया तो वो भी वो पुलिंग हो गया है अति चमु, तो अतएव प्रथम लिंग ग्रहणांच के आधार पर अति चमु शब्द का नदी संज्ञा होगा। नदी संज्ञा होने से अंबार्द नद्य रस्व से पहले संबोधन में रस रूपा लाभ होता है, हे अति चमु, और आण नद्या लगेगा चतुर्थी गीत वचनों में, आण नद्या आठ हो गया, आठ होकर के यण हो गया अतिचम वही, आठ से वृद्धि, आठ से वृद्धि होगा, आई हो गया अतिचमूधन आई, इको एण से यण अतिचम वही, पंची में भी अतिचमूधन गसी और गस में अस बचेगा अतिचमूधन अस, आठ हो गया अतिचमूधन आदन अस, आठ से वृद्धि अतिचमूधन अस, इको एण से यण अतिचम वाह, अतिचम वाह अतिचमूद नाम में नद्यन दत्ता नुट ह्रस्व नद्यापो नुट, नुट हो गया अतिचमूधन नाम, दीर्घ दीर्घ आदेश अतिचमू नाम नामी से, अतिचमूधन घी घी कही है गेरा नद्याम निप्या, नए संजगनों की क्या होता है घी को आम आदेश हो गया, आम हो गया था अतिचमूधन आम, यहां पर पुनः आम को नुट और आठ दोनों प्राप्त हुआ, तब कहीं नुट को बात करके आपने आठ कर दिया है या नहीं, आठ कर दिया तो क्या हो गया अधिचमु आ आम, आठ से वृद्धि अधिचमु धन आम, फिर नुट हुआ तो सकृत गदा भी प्रसिद्ध है यद बायतम तद बायतम व्यवसाय, नुट को निवृत्त कर दिया तो अतिचमु धन आम आम ने इको इंच से यण हो गया अतिचम वाम। ये विशेष कार्य नहीं संज्ञा का, बाकी सब जगह पूर्वत इसलिए कह रहे हैं पूर्वत रूप बन जाएगा, चलाइए इसका रूप भी, अति चमूहु अति चंबौ अति चंबह, हे अति चमू हे अति चंबौ हे अति चंबह,
अतिचमून अतिचम बौ अतिचमून अतिचम वा अतिचमूभ्याम अतिचमूभिः अतिचम वै अतिचमूभ्याम अतिचमूभ्यः अतिचम वाः अतिचमूभ्याम अतिचमूभ्यः अतिचम वाः अतिचमू अतिचम्बोः अतिचमूना अतिचम वाम अतिचम्बोः अतिचमूषु। अब खलपु शब्द आ रहा है, खलम पुनाति इति खलपु, खलम पुनाति मार्जयति इति खलपु। खल कहते हैं खलिहान को, खलिहान जानते हैं ना, जो खेतियां होते हैं उस खेती के किनारे में क्या करते हैं, सीमेंट वगैरह डाल के चबूतरा जैसे बना देते, मजबूत धान उनका आटा सब उसमें ले जाके डाल देते, गौ को चराते, बैल को चरा देते, उसको धान अलग हो जाता है, गेहूँ अलग हो जाता है, पाल अलग हो गया, आजकल तो मशीन आ गया है कि नहीं। पहले जमाने में क्या होते थे, उसको खल पर छोड़ देते थे, वहाँ गिरा दिया, बैल को घुमाना, वो अलग होता था, फिर फटक देते ऊपर से हवा से गेहूँ अलग, बाकी धूल कल का डाला, उसको कहते हैं खल, खलिहान हिंदी में, संस्कृत में खल। खले कपोत न्याय याद है, खले कपोत न्याय एक न्याय है, यदि भी हमको बताया नहीं हो इस बात को, बोलना चाहिए था अर्थवदात प्रत्य के बाद इस सूत्र में, सौजस्व सूत्र में ध्यान आ रहा कि पूरा 21 प्रत्यय उपस्थित होता है तो कौन सा लाऊं, ये जब आशंका होगी तब व्यक्ति द्विवचनी को वचन लगेगा। ज्ञा प्रत्यय प्रातिपदिक प्रत्यय परस्य सूत्र लगते ही बराबर खले कपोत न्याय से पूरा 21 प्रत्यय आ गया। जब पूरे 21 प्रत्यय आता है तो कौन सा करो, तब आकांक्षा होने पर देखकर द्विवचन वचने या बहुवचन वचन परिवार सूत्र को ला करके आप व्यवस्था देते हो, सूलाना अववादी को नहीं ना। ये खले कपोत न्याय, खले कपोत न्याय क्या चीज है? वृद्धा युवा शिशव कपोथा, वृद्धा युवा शिशव कपोथा, यथा खले युगपत पतंती तथैव पदार्था युगपत समुपस्थित। कबूतर इकट्ठे होते खलिहान में, जब गेहूं लगा रखा है, बैल सब उठाते नहीं एक साथ रहे, एक दिन में कैसे होगा काम, वहां क्या होता है कबूतर आ करके बैठते हैं, सब खाने लग जाते हैं, चाहे बूढ़ा कबूतर है, जवान कबूतर है, बच्चा कबूतर, कोई भी कबूतर बैठा है, अब आपने टन टन बजाया तो क्या होता है, सब एक साथ उड़ जाते हैं, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बच्चा है, वृद्धा युवा शिशव कपोता यथा खले युगपत पतंती, एक साथ आके बैठते खाने के लिए, उड़ते हैं तो एक साथ उड़ जाते हैं, जैसे ठीक उसी प्रकार समस्त प्रत्यय सारे पदार्थ एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तो खले कपोत न्याय से समस्त 21 प्रत्यय उपस्थित हो गया, उनमें से कौन सा लाऊं, अव्यवस्था जब हुई व्यवस्था देने के लिए परिभाषा सूत्र आते, सुपहत देकर द्विवचन वचने बहुश बहुवचनम खले कपोत न्याय। ये वास्तव में इसलिए बताया नहीं हम लोगों ने, क्योंकि ये आता है शब्द प्रकरण में, ये अभी न्यायबोधनी में बताना है, वो न्यायबोधनी में विलंब आएगा ना, अभी आकांक्षा योग्यता सन्निधि, सन्निधि के लिए बताना है, वास्तव में है ये शब्द के लिए, एवं उसको व्याकरण में भी उन्होंने वहां कुछ लोगों ने लगा दिया है खले कपोतर। जैसे एक वाक्य आपने सुना, लंबा वाक्य आपने पढ़े, जैसे व्याप्त त्रिनेष्ठी पढ़ा, लंबा सा सूत्र, और अंतिम शब्द पढ़ते पढ़ते पहला शब्द को भूल जाएंगे आप, लेकिन पूरी का अर्थ कैसे उपस्थित हो जाता है, कि नियम है तभी चित्रंग न्याय से शब्द नष्ट होता है कि नहीं होता है, बताया है। अब पहला शब्द बोलते अंतिम शब्द आते आते क्या पहला वाला शब्द बचेगा क्या, तीन क्षण के बाद तो नष्ट होना है उसने, लेकिन सब का अर्थ कैसे उपस्थित हुआ, कि बुद्धि में क्षमता है, भले शब्द सुना वह सुना हुआ शब्द निवृत्त निकल गया, सुनना रूपी क्रिया भी उस शब्द संबंधी खत्म हो गया, यानी बुद्धि ने उसको रख लिया है,
सारे शब्द इकट्ठा ले लेती है और पूरे वाक्य का अर्थ को निश्चय कर देती है। ये बुद्धि की विशेषता है। खले कपोत न्याय से जब वाक्यार्थ निर्णय होता है तब समस्त पदार्थ युगपत उपस्थित हो जाते हैं। इस शब्द बोध के लिए कहा जाता है। ये शब्द तो नष्ट हो रहा है, जैसे एक शब्द बोला दूसरा जैसे निकला तो पहला वाला खत्म हो गया। लंबा वाक्य भी बोलो तो वाक्य का अर्थ आपके दिमाग में कहां से आएगा, सारे शब्द उड़ गए, खत्म हो गए। तो खले कपोत न्याय से बुद्धि में पद भले नष्ट हो गया, शब्द भले नष्ट हो गया, लेकिन पदार्थ उपस्थित हो जाए। सब पहला मध्य वाला अंत वाला अंतिम शब्द का श्रवण के पश्चात जैसे अंतिम पद का पदार्थ जब उपस्थित होता है तो सारे पदार्थ इकट्ठे उपस्थित हो जाते हैं, पूरे वाक्य का अर्थ का निर्णय हो जाता है। उसको कहते खले कपोत न्याय से पदार्थों की उपस्थिति हो जाता है।